स्वागत है हमारे चैनल कॉन्टैक्ट कॉम्बैट इंडिया पे। मैं हूँ कौशल सहगल, फाउंडर और हेड इंस्ट्रक्टर कॉन्टैक्ट कॉम्बैट इंडिया का। आज हम बात करने जा रहे हैं वल्नरेबल पॉइंट्स की। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत गौर से देखिएगा। इसके अंदर मैं आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताऊँगा ह्यूमन बॉडी के, कि जिन पर आप बहुत ही कम जोर से भी मारें तो बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हो एक ओपोनेंट को, और कैसे कोई भी वीक बंदा किसी भी स्ट्रॉन्ग बंदे के अगेंस्ट जीत सकता है कोई भी फाइट, चाहे वो कहीं पर भी हो, मेट्रो में हो, रोड पर हो, मार्केट में हो, कहीं पर भी हो, हम कोई भी फाइट जीत सकते हैं बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम पावर से। ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं जहाँ पे हम बहुत धीमी से भी मारें तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। एग्जाम्पल, हम दोनों की फाइट हो जाती है और मैं अपनी पूरी जान से इसकी चेस्ट पर पंच मारता हूँ, इसको क्या कुछ होगा? प्रॉब्ली कुछ नहीं, क्योंकि अगर किसी की स्ट्रॉन्ग पेक्टोरियल मसल्स हैं या स्ट्रॉन्ग चेस्ट मसल्स हैं, कुछ भी नहीं होगा। मैं चाहे कितना भी पंच मार दूँ, जितना भी पेट पर मार दूँ, कितना भी धक्का दे दूँ, कुछ नहीं होगा। तो यही मिस्टेक ज़्यादातर फाइट में लोग करते हैं। हम लोग करते क्या है, हम लोग ऐसे जगहों पर मारते हैं जहाँ पर ओपोनेंट को कुछ फील ही नहीं होता है, क्योंकि एड्रेनलिन रश होता है बंदे का। अब एड्रेनलिन रश के अंदर पेन नहीं होती, चाहे उसको बाद में जाके दर्द होगी, चाहे उसको 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद या 1 घंटे बाद दर्द शुरू हो जाएगी उधर, लेकिन उस टाइम पे फाइट पे कुछ दर्द नहीं होगी। तो उस टाइम पे वो हमको मारता रहेगा। हमको एक फाइट में किसी को रोकने के लिए ऐसे पॉइंट में मारना है कि उसको बहुत ज़्यादा पेन हो या वो और आगे ना बढ़ सके उस फाइट में। तो चलो आगे देखते हैं ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। अगर हम सर से लेकर पैर तक चले, मैं आपको बेसिक वर्ड्स में बताने वाला हूँ, मैं आपको वो बहुत ज़्यादा कुंफू वगैरह टाइप की मूवीज़ के बारे में नहीं बताने वाला कि ऐसे ऐसे हम पॉइंट्स मानेंगे कि बंदा बेहोश हो जाए या कुछ हो जाए। हम आपको बहुत ऐसे पॉइंट्स बताने वाले हैं जो बहुत प्रैक्टिकल है। अगर आपको ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं भी आती है या आपको ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं है, निशाना नहीं मार सकते, तब भी आप उसको बहुत आराम से मार सकते हो। अगर आप ऊपर से लेकर नीचे चले तो आपका जो पहला पॉइंट होता है वो है आपके बाल। अगर ओपोनेंट मेरी तरफ है, कुछ भी हम फाइट करते हैं, मैं उसके बाल उसको नीचे खींच के कुछ भी मार सकता हूँ, मैं घुटना मार सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बालों के साथ मैं उसको कहीं पर भी खींच के गिरा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है आइस। चाहे कितना भी बड़ा बॉडी बिल्डर क्यों ना हो, चाहे कितनी भी ज़्यादा मसल्स ना बना रहे, आप आंखों पे मसल्स नहीं बना सकते। आइस आपकी बहुत बड़ा वल्नरेबल पॉइंट है। अगर हम एक डस्ट स्टॉर्म में होते हैं और आंखों में मिट्टी चली जाती है, हम कैसे आंखें बंद करके कैसे लाचार हो जाते हैं। तो सोचो अगर कोई वैसा फाइट करने आ रहा है और मैं उसकी आंखों के अंदर उंगलियाँ डाल दूँ अपनी, तो उसको कितना लगेगा। कभी कोई मेरा समझो गला दबा रहा है और यहाँ से मैंने अपने अंगूठों से सीधा उसके आंखों के अंदर ही अपने अंगूठे डाल दिए। क्राव मगा, जैसे हम बात करते हैं, एक सेल्फ डिफेंस आर्ट है। इसके अंदर कोई रूल्स नहीं है। यहाँ पे आप ये नहीं सोच सकते कि मेरा ओपोनेंट कुछ है, ज़्यादा चोट लग जाए, कुछ लग जाए। आप ये आर्ट तभी यूज़ करोगे जब आपकी लाइफ पे खतरा है या आपके चाहने वाले या किसी लव्ड वन पे खतरा है, तो आपको ये यूज़ करना है। और कोई रूल्स नहीं होते इसके अंदर, चाहे आपको आँख में उंगली डालना पड़े, चाहे उसको काटना पड़े, उसको थूकना पड़े, चिल्लाना पड़े, ड्रॉइंग पे हिट करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आपका मेन एम है वहाँ से बचना कुछ भी करके। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं तो वो है थ्रोट। अगर आप अपना एक फिश बनाते हैं और अपने थ्रोट पे रखिए और उसको धीरे से प्रेस कीजिए, आपको फील होगा कितना ज़्यादा प्रेशर बन रहा है गले के अंदर। तो समझो यही चीज़ अगर मैं किसी के पंच मार दूँ थ्रोट पे, ये एक लीथल अटैक भी हो सकता है। पंच चेस्ट पे मारने की जगह मैं उसके थ्रोट पे पंच मारूंगा तो कितना ज़्यादा फर्क हो जाएगा। एक पे थोड़ा अगर दो चार इंच नीचे मारा उसको शायद कुछ ना हो, बट यही पंच हमने उसके थ्रोट पे मारा कितना ज़्यादा लग सकती है। हम थ्रोट पे पंच मार सकते हैं, हम ऐसे सी शेप में बॉडी को हाथ को रख के ये मार सकते हैं, हम उंगलियाँ अंदर घुसा सकते हैं इस एरिया के अंदर उसको ताकि पेन हो। वो है नोज। नोज एक वल्नरेबल पॉइंट होता है, बट एक बी कैटेगरी का वल्नरेबल पॉइंट होता है। जैसे हमारी आंखें और हमारा थ्रोट ए कैटेगरी के वल्नरेबल पॉइंट है, वैसे ही हमारे बाल और हमारा नोज बी कैटेगरी के वल्नरेबल पॉइंट है। इससे पेन तो जरूर होती है, लेकिन बंदा तब भी लड़ सकता है। अगर क्योंकि अगर आपने देखा होगा बॉक्सिंग मैच में लोगों के नाक फट जाते हैं लेकिन तब भी चलते रहते हैं, बट अगर ओपोनेंट ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं है या ज़्यादा टफ नहीं है, नाक तोड़ना भी उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसको हम तोड़ने के लिए हम जैसे हम देखा था हम पंच मार सकते हैं, हम हैमर मार सकते हैं, हम ओपन हैंड मार सकते हैं। नोज क्योंकि बाहर निकला हुआ है तो बहुत आराम से टूट सकता है।
हमारा जो नेक्स्ट वल्नरेबल पॉइंट है उसके बाद नीचे चले तो वो है चेस्ट और स्टमक के बीच में ये वाला पॉइंट, इसको कहते हैं सोलर प्लेक्स। ये एक ए कैटेगरी का वल्नरेबल पॉइंट है। सीधा आपके चेस्ट और आपके स्टमक के बीच में छोटा सा एक पॉइंट है, इसको आप दबाएंगे आपको एक अनकम्फर्टेबल फील होगी। अगर इस पर आपने अच्छे से ऑपोनेंट को मुक्का मार दिया या कुंडला मार दिया, ऑपोनेंट उल्टी भी कर सकता है उसकी टाइम फाइट पर, उसको ब्रीदिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो नेक्स्ट वल्नरेबल पॉइंट है वो है ग्रोइंग। किसी भी मेल अटैकर का ग्रोइंग बहुत बड़ा वल्नरेबल पॉइंट है। अगर आपने इस पर आप किक कर सकते हो, घुटना मार सकते हो, यहाँ तक कि कोई आपके ऊपर आता है लड़ने आपसे, आप सीधा अपने हाथ से उसको बस मार सकते हो, वो पेन में आएगा और आपके काफी टाइम पर निकलने का या उसको और मारने का। तो ग्रोइंग बहुत बड़ा वल्नरेबल पॉइंट है। हम नीचे चलते हैं घुटने। अगर आप अपना हाथ लेके ऐसे और अपने घुटने पे रखेंगे और उसको दबाएंगे, आप देखेंगे कि आप कितना अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हो। तो वही चीज, जब घुटना सीधा होता है तो बहुत आराम से टूट सकता है। आपको करना क्या होता है, अपना बस पैर लेना है घुटने पे रखना और अपना पूरा वेट आगे डाल देना है, इतनी आराम से घुटना टूट सकता है। 12 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा भी आपका घुटना आराम से तोड़ सकता है। अब अगर हम पीछे चले, ये है बैक ऑफ द नेक। इसको हम कहते हैं ना कि अगर कोई इस पे मारता है कनपट्टी के पीछे तो जब कोई मारता है कितनी ज्यादा पेन होती है, तो वही जब मैं इस पे मारता हूँ कितनी ज्यादा पेन होती है ओपोनेंट को, क्योंकि आपकी जो स्पाइन है और आपका जो ब्रेन है यहाँ पे मिलता है, सारे जो नर्व्स होते हैं यहाँ पे मिलते हैं। इसको मारना बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है, बंदा पैरालाइज भी हो सकता है अगर आपने इसको अच्छे से बहुत तेज मारा। जो लास्ट वल्नरेबल पॉइंट है वो है आपकी पूरी की पूरी स्पाइन। पीछे से अगर ओपोनेंट आपके पास है, अगर आपको पीछे से किसी पर वार करना है, आप इस पर अपना घुटना मार के उसकी स्पाइन बहुत आराम से तोड़ सकते हो। तो ये है आपके मेजर मेजर वल्नरेबल पॉइंट्स। ऑफकोर्स और भी ज़्यादा वल्नरेबल पॉइंट्स होते हैं, जैसे आपकी रिब्स, लिवर, किडनी, बहुत सारे होते हैं जो हम आगे जाके और सीखेंगे, लेकिन ये आपके मेजर वल्नरेबल पॉइंट्स हैं। इनको आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है या ज़्यादा बड़े मास्टर बनने की ज़रूरत नहीं है इनको मारने के लिए। कभी भी आपकी फ़ाइट होती है आप ये बड़े बड़े जो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं बहुत आराम से मार सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम जब फाइट होगी आपकी तो कभी भी ऐसे पॉइंट से मत मारना जहाँ पे उसको पेन नहीं होगा। उसको थप्पड़ मारने की कोशिश मत करना, उसको धक्का देने की कोशिश मत करना, उसके चेस्ट पे, उसके पंच पे मत मारना, उसकी लात पे भी मत मारना। मारना तो सिर्फ ऐसे पॉइंट्स पे जहाँ पे उसको पेन होगी। ग्रोइंग, थ्रोट, नोज, आंखें, बाल, सोलर प्लेक्स, घुटना, इससे आप एक फाइट को बहुत जल्दी जीत सकते हो। एक बात अच्छा याद रखना गाइस, जब एक असली में फाइट होती है स्ट्रीट पे आपको सिर्फ 10 से 20 सेकंड मिलते हैं। मूवीज की तरह नहीं कि आधा आधा घंटा फाइट चलेगी, सिर्फ 10 से 20 सेकंड की फाइट होती है, उसमें आपको 3 से 5 वार मिलते हैं, वो काउंट होने चाहिए। जिसने पहले अच्छा मारा वो जीतता है। तो आपको ऐसी जगह पर मारना है जल्दी से पूरी पावर से कि आप अपने ओपोनेंट को उधर ही उधर ख़त्म कर सकते। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि हम लोग रोज़ नई वीडियोस लाते जा रहे हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले कब नई वीडियो आएगी। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी टाइप का अटैक का आपको डिफेंस सीखना है या आप चाहते हैं कि हम उसका कोई ट्यूटोरियल बनाएं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। हम लोग कमेंट सेक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और हम आपकी सारी डाउट्स के वीडियोज़ ज़रूर बनाएंगे। यहाँ तक कि हमारा जो फेसबुक और हमारा जो इंस्टाग्राम चैनल है उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और वहाँ पे हम लोग रोज़ नए नए ट्यूटोरियल्स डालते रहते हैं, नई नई वीडियोस डालते रहते हैं, चाहे वो छोटी वीडियोस हो चाहे वो बड़ी वीडियोस हो। तो उनको आप ज़रूर फॉलो कीजिए, उनके जो लिंक्स हैं हमने हमारे डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, आपको वो ज़रूर फॉलो करने चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए सी यू।